हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं KDM की तरफ से आने वाले KDM A1 हब पॉड्स ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स की। सो गाइस, अगर आप भी एक ब्लूटूथ ईयरबड्स परचेस करने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस, बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या हमें फीचर मिलते हैं, क्या फंक्शंस मिलते हैं एंड कितना बैटरी बैकअप है, कैसी साउंड क्वालिटी है इसकी और क्या प्राइस रेंज में हमें मिलने वाला है। सो गाइस, अगर आप भी एक ब्लूटूथ ईयरबड्स परचेस करने की सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की बिना टाइम गवाए। तो गाइस, बात करें सबसे पहले बॉक्स पैकिंग की, तो आप देख सकते हो काफी प्रीमियम सी बॉक्स पैकिंग है, बहुत ही कमाल की बॉक्स पैकिंग है, प्रोफेशनली बॉक्स को पैक कर रखा है। बात करें बॉक्स के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे KDM की ब्रांडिंग है, यहाँ पे इसका मॉडल नंबर है KDM A1 हब पॉड्स, ये इसका मॉडल नंबर है। एंड यहाँ पे देख सकते हो फोटो बना हुआ है ईयरबड्स का। एंड बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 24 आवर्स म्यूजिक टाइम लिखा हुआ है। एंड इस साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24 आवर्स म्यूजिक टाइम, लाइटनिंग इंटरफेस, वन टेप सेंसर एंड लाइट। बात करें बॉक्स के पीछे की साइड, तो यहाँ पे देख सकते हो विथ सिलिकॉन हब पॉड्स कवर, मतलब इसके साथ में हमें कवर भी मिलता है, तो क्वालिटी भी देखेंगे हम। आईफोन के साथ दोस्तों ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है, जैसे आप इसको ओपन करोगे एंड आईफोन के साथ ऑटोमेटिकली पॉपअप ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपके आईफोन के अंदर ऑटोमेटिकली इस प्रकार का पॉपअप ओपन हो जाएगा। आपको कनेक्ट पर क्लिक करना है सिंपली और ये आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। तो बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, वायरलेस वर्जन 5.2, 560 आवर्स का स्टैंड बाय टाइम है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2 आवर्स है, चार्जिंग पावर है लाइटनिंग पोर्ट, टॉकिंग टाइम 6 आवर्स का है, म्यूजिक टाइम 5 आवर्स का है एंड चार्जिंग पावर DC 5 वोल्ट 250 mAh की इसके अंदर हमें बैटरी देखने को मिल जाती है एंड ट्रांसमिशन डिस्टेंस है 32 फीट, 10 मीटर का ट्रांसमिशन डिस्टेंस मिलता है। यहाँ पर कुछ कंपनी की डिटेल हमें मिल जाती है, तो चलिए अपन इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं कैसी इसकी डिजाइन है और क्या क्या हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें कवर मिल जाता है इसका एंड ये हमें एक यूजर मैनुअल मिल जाता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस यूजर मैनुअल को पढ़ सकते हो, देख सकते हो। विथ सिलिकॉन हब पॉड्स कवर, कुछ इस प्रकार का कवर हमें देखने को मिल जाता है जो कि काफी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है, देख सकते हो आप। और इसके अंदर हमें एक लाइटनिंग केबल मिल जाती है, यह आप देख सकते हो छोटी सी, इसे आप चार्ज कर सकते हो ईयरबड्स को। एंड यहाँ पे एक हुक मिल जाता है, तो इसको आप सिंपली यहाँ पे अटैच कर दीजिए इसको एंड आप इस केस को कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। तो बात करें दोस्तों ईयरबड्स की, तो आप देख सकते हो छोटा सा और बहुत प्यारा सा केस मिलता है ईयरबड्स का एंड फ्रंट साइड में KDM की ब्रांडिंग है, KDM कनेक्टिंग फॉर एवर एंड यहाँ पे लिखा हुआ है डायनेमिक डिजाइन हैवी बेस म्यूजिक, एक बटन यहाँ पे दे रखा है। इस बटन के थ्रू दोस्तों आप इसको एक्टिव कर सकते हो, देख सकते हो जैसे बटन दबाया हमने ये ग्रीन लाइट यहाँ पे इंडिकेट होना स्टार्ट हो गई है, मतलब ये चार्ज होना स्टार्ट हो गए हैं। इस केस की मदद से ईयरबड्स हमारे चार्ज होते हैं, तो अभी फुल चार्ज है इसलिए ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो चुकी है, देख सकते हो। एंड अगर चार्ज कम होता तो यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट होती, तो फुल चार्ज पे आपको ग्रीन लाइट इंडिकेट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे अपन ओपन करते हैं केस को एंड इस प्रकार से डिजाइन है इसकी, आप देख सकते हो एंगल्ड डिजाइन मिलती है आपको, आईफोन के जो ईयरबड्स आते हैं वैसा ही लुक है, क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है इसकी। तो जैसे ही आप इस केस को ओपन करोगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे और आपको सिंपली मोबाइल के अंदर ब्लूटूथ को ऑन करना है और इसका नाम आ जाएगा, शो हो जाएगा आपको एंड जैसे ही नाम पे प्रेस करोगे तो ये कनेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप निकाल के इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अपन निकाल लेते हैं इसको एंड अगर आप आईफोन के अंदर कनेक्ट करोगे तो ये जैसे ही ओपन करोगे तो आईफोन के अंदर पॉपअप ओपन हो जाएगा, तो कनेक्ट पे आपको क्लिक करना है सिंपली और कनेक्ट हो जाएगा। तो काफी आसान है कनेक्टिविटी इसकी। एंड बात करें ईयरबड्स की, तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की डिजाइन मिलती है, एंगल्ड डिजाइन मिलती है जो कि आपके कानों में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो टच सेंसर मिल जाते हैं, जैसे आप टच करोगे तो आपका म्यूजिक वगैरह पॉज प्ले हो जाएगा, कॉल वगैरह आती है तो भी आप यहाँ पे टच करके कॉल रिसीव कर सकते हो। और बात करें इसकी दोस्तों साउंड क्वालिटी की, काफी तगड़ी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाती है आपको, बेस भी आपको बहुत अच्छा इसके अंदर देखने को मिल जाता है और इसकी जो साउंड है दोस्तों वो बिल्कुल भी कानों को चुभती नहीं है, बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्टल साउंड क्वालिटी है। बाकी बात करें बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप आपको 5 आवर्स का मिल जाता है एंड इस केस की मदद से आप इनको चार्ज कर सकते हो, जैसे ईयरबड्स का बैटरी खत्म हो जाए उसके बाद आपको केस के अंदर रखना है इस प्रकार से और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड बात करें चार्जिंग की, तो आपको इस केस को चार्ज करना है और साथ साथ ये ईयरबड्स भी चार्ज हो जाएंगे। इसका जो चार्जिंग टाइम है दोस्तों पूरे का वो 2 घंटे का है, 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाएंगे। आप अपने 5 वॉट के किसी भी एडेप्टर से इसको चार्ज कर सकते हो, लाइटनिंग केबल इसके साथ में मिल जाती है। एंड चार्जिंग के सिस्टम की बात करें तो आपको चार्ज लगाना है
जैसे आप चार्ज लगाओगे तो यहाँ पे रेड लाइट इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब ये चार्ज हो रहा है। एंड जैसे फुल चार्ज हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे ग्रीन लाइट जलने लग जाएगी, मतलब ये फुल चार्ज हो चुका है। बाकी साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, आप इसको परचेज कर सकते हो बिल्कुल। दोस्तों बात करेगा इसकी प्राइस रेंज की, तो ये आपको दोस्तों 1500 के आसपास मिल जाएगा, 1300 से 1500 रुपए के आसपास मिल जाएगा, वेरी करता है आपके मार्केट के ऊपर। एंड बात करें दोस्तों इसकी वारंटी की, तो आपको 6 मंथ की कंपनी की तरफ से वारंटी मिल जाती है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है इसको परचेज करने के लिए। अगर वारंटी में अगर कोई दिक्कत आती है आपकी ईयरबड्स के अंदर तो आप इसको चेंज करा सकते हो। एंड केस के अंदर अगर हम बात करें इसके, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से इसको रखना है केस के अंदर। और अभी आप लुक देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम सा लुक हो चुका है इसका, और इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके अंदर हमें वारंटी मिल जाती है। और बाकी अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव है इसके रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो आप, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। एंड चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार के अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।